166A of IPC, 166A 166 का थोड़ा सा एक्सटेंशन है. 166 में हमने क्या पढ़ा कि जब पब्लिक सर्वेंट किसी भी डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसोबे कर रहा है ताकि वो किसी को इंजरी पहुंचा पाए या उसको नॉलेज हो कि ऐसे एक्ट से किसी को इंजरी हो रहा हो. और हमने एग्जांपल देखा एक पुलिस ऑफिसर को वारंट ऑफ अरेस्ट आया है और वो विलफुली इसको डिसोबे कर रहा है. 166A में भी वो डायरेक्शन को डिसोबे कर रहा है बट वो डायरेक्शन ओनली रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन है. 166A इज सोली रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अब इस बात को क्लियर करके इस इंटेंशन से हम आप इसको पढ़ते हैं कि 166A जहां भी आएगा वो आपको इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है. ओके, लेट अस प्रोसीड. सो पहला है, व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसोबेज एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ व्हिच प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और एनी अदर मैटर. अब मैं कहता हूं कि एक आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर्स को पढ़ने के टाइम एक प्रोविजन आएगा जहां पे वुमेन को इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कभी भी रात के बाद सनसेट के बाद नहीं बुला सकते. प्रेफरेबली वुमेन और चाइल्ड को पुलिस स्टेशन ना बुलाकर उनके घर पर या किसी ऐसे कन्वीनियंट प्लेस पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. व्हेनेवर इट इज अ रेप सर्वाइवर विक्टिम है तो उनको पुलिस स्टेशन में एक वुमेन ऑफिसर के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. इन्वेस्टिगेशंस में वुमेन इंस्पेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैरी करेंगे. ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहां पे 166A क्लॉज ए के अंदर ये फॉल करता है. सेकेंड क्लॉज 166A का क्लॉज बी, ये क्लॉज बी कहता है कि एक सेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डायरेक्शन है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरी की जाएगी. फिर देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या स्टेप्स लेना है ये सीआरपीसी में स्टेटेड है जो कि हमने वीडियोस बनाए हैं अपने सीआरपीसी में. अब वो आप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाकर उसको देख सकते हैं उसमें क्या क्या प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर वो डिस्कस किया हमने अपने सीआरपीसी के वीडियो में. और ये डायरेक्शन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डिसोबे कर रहा है इन्वेस्टिगेशन वो सही से नहीं फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसके साथ क्या एडिशन है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ठीक से फॉलो ना करना ही इस प्रोविजन के लिए नहीं इन्वोक करेगा. इस प्रोविजन को इन्वोक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में प्रिजुडाइज हो सके या किसी को इंजरी पहुंच सके. नोइंगली डिसोबेज टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन. अगर ये लिंक्ड है ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना करने के साथ तो 166A क्लॉज भी इन्वोक होगा. क्लॉज सी बात करते हैं FIR से रिलेटेड 154(1) ऑफ CRPC. He fails to record any information given to him under section 1 of section 154 of CRPC. अगर CRPC 154(1) FIR register नहीं कर रहा है पुलिस पर्सन तो 166A के अंदर क्लॉज सी के अंदर फॉल करता है. इसमें shall be punished with rigorous imprisonment है for a term which shall not be less than 6 months. So 6 months se less nahi hoga and which may extend to 2 years plus fine. Ye tha section 166A of IPC.